अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द आरजे ब्लॉग पे। और आपका भाई राधे बहुत बहुत वेलकम करता है आप सभी का। और आज की जो लोकेशन है दोस्तों, वो बड़ी भयानक लोकेशन है। ये है हॉन्टेड फैक्ट्री, मेन गेट आप देख ही चुके होंगे। पास में दोस्तों है रोड, थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने इंट्रो अंदर आके लिया। यहाँ की जो स्टोरी है दोस्तों, वो थोड़ा आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, आखिर यहाँ पे क्या हुआ कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये फैक्ट्री मालिक को बंद करनी पड़ गई। इस तरफ ऑफिस बना हुआ है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो रखी है। गेट वेट पूरे टूट चुके हैं, पूरा खंडर में तब्दील हो रखा है। ये दोस्तों ऑफिस रूम था फैक्ट्री का। यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई दोस्तों, जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा वक्त नहीं गवाए और चलते हैं सीधा लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन दोस्तों इतनी बड़ी है कि मेरे को कम से कम यहाँ पूरी लोकेशन अगर मैं कवर करूँ दोस्तों तो एक घंटा लग जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से लोकेशन पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, 11:04 हो चुके हैं। ठीक है, आया भाई दोस्तों 11:04 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ की जो स्टोरी है दोस्तों, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आखिर क्या हुआ था, उसको आइडिया लगा सकते हो दोस्तों आप लोकेशन को देख के कि यार कितनी बड़ी ये जगह है। यहाँ पे कुछ पत्थर के ब्लॉक वगैरह पड़े हैं इस फैक्ट्री में, मार्बल के जो ब्लॉक होते हैं दोस्तों ढेर सारे पड़े हैं पीछे तक बिल्कुल। आखिर ऐसा कौन सा हादसा हुआ जो मार्बल को फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। ये है दोस्तों फैक्ट्री, ठीक है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, लेकिन प्रेजेंट में दोनों को बंद कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई दोस्तों, जिनको सुन के आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है दोस्तों एक मार्बल की फैक्ट्री, जो मार्बल वगैरह होता है घर में लगाते हैं उसकी जो कटिंग होती है, वो मशीनें यहाँ पे लगी हुई थी। और यहाँ पे पीछे से आवाज आती है, हाँ भैया, सामने, हाँ भैया, आ गया ना, कोई देखने क्या चीज है दोस्तों। भी अचानक से आवाज सुनी होगी आपने, कितने की आवाज आई थी भैया, ये तो कोई राक्षस जैसा लग रहा है भैया। कुछ दिखाई तो दे रहा है, ओ भाई ये क्या है भैया, ये चीज क्या है यार, ऐसी चीज भाई दोस्तों मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। ये क्या है यार भाई, आ गया वो आराम से भैया, ओ भाई 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 भाई, मिल रही है क्या
कुछ हाथ में फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है। मैं क्या करे, आगे बढ़ के देखे दौड़ के है ना। आजा भाई आजा। नहीं था शायद कुछ हो वो चीज है ना। चार तरफ तरफ यहाँ पे ये जो आप जगह देख पा रहे हो, ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको बड़े बड़े, इन पे था मशीनें लगी हुई थी इन पे, ठीक है दोस्तों। मार्बल कटिंग की जो मशीनें होती है, इस तरफ से ये जो आप देख रहे हो मार्बल के ब्लॉक इधर से आते थे और इन दोनों पिलरों पे भी मशीनें लगी हुई, नए नए किसी भाई की ज्वाइनिंग हुई थी इस फैक्ट्री में जॉब करने के लिए, लगा था। एक रोज रात को अचानक 12 बजे के समथिंग पता नहीं क्या हुआ, जो कटर होता है जिससे मार्बल की कटिंग होती है वो कटर जाम हो गया। वो भाई था अकेला नाइट शिफ्टिंग में और जो स्टाफ था वो घर जा चुका था। उस बंदे ने जाके देखा तो मोटर बंद हो चुकी थी। जब उसने इधर उधर कुछ देखा कि यार क्या प्रॉब्लम आई, चलती हुई मशीन अपने आप रुक गई। फिर किस्मत इतनी खराब थी, पता नहीं कुछ टाइमिंग की वजह से ऐसा कुछ हुआ या क्या था, वो कटर अपने आप चलने लगा और उस भाई को संभलने का मौका तक नहीं मिला दोस्तों। और उसका जो हाथ था वो उस कटर में आ गया और वो पूरा उस कटर में समा गया और उसके 2-3 टुकड़े हो गए दोस्तों शरीर के। मतलब के जब सुबह मॉर्निंग में जब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दूसरे स्टाफ वाले आए, उन्होंने उसकी जो हालत देखी ना उसकी बॉडी की, दिमाग खराब हो गया। पूरी मशीन पे पूरे मार्बल पे खून ही खून, उसका धड़ एक तरफ पड़ा था, उसकी कमर का पार्ट एक तरफ पड़ा था और उसके पांव एक तरफ कट के पड़े थे। उसके बाद दोस्तों 3-4 दिन तक फैक्ट्री को बंद रखा गया इसको। और ये जो पीछे वाला, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे इसी जगह उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसी जगह हवन करवाया गया, पूजाएं करवाई गई। क्यों? क्योंकि उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही दोस्तों जब मशीनें कंटिन्यू 4-5 दिन के बाद वापस चलाना शुरू करा, अजीबोगरीब हादसे होने लग गए यहाँ पे। किसी को कोई परछाई दिखने लग गई, किसी को कोई चीज नजर आती थी। बाद में तंग आकर लोगों ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया। कोई भी मजदूर यहाँ आके काम करने को तैयार नहीं था और फैक्ट्री मालिक को मजबूरन परेशान होकर इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब से ना तो ये प्रॉपर्टी बिकी है दोस्तों और ना ही यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ, ये बंद पड़ी है हमेशा के लिए। इसकी कंडीशन आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये जानवरों का मलबा है जो कितना ज्यादा हो रखा है। ऊपर की बात करें तो जो ऊपर का टिन शेड है उसकी हालत देख सकते हो। और ये धुआं उसी चीज का है दोस्तों जो यहाँ पे पूजा पाठ किए गए थे। आवाज आ रही है दोस्तों, ये वो सीटीएम की और ये सामने ऑपरेटर का रूम था जहां से वो ऑपरेट कर रहा था और यहाँ पे वो कटर लगा हुआ था। ये आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कितने टाइम से बंद पड़ा है। पक्षी हो गए ये वोल्टू वगैरह आप देख रहे हो, ये वो मशीन थी दोस्तों यहाँ पे। ये देखो दोस्तों यहीं पे इसी जगह वो कटर लगा हुआ था दोस्तों यहाँ पे। और जब वो ऑपरेटर आया उसको चेक करने तो नीचे की तरफ मोटर थी अचानक से बंद हुई थी और ये जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे मोटर लगी हुई थी और वो मोटर बंद हो गई। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जब उसकी मौत हुई
कैमरे लगे हुए थे फैक्ट्री में, टाइम देखा गया दोस्तों एग्जैक्ट 12:14 पे उसका वो हाथ मशीन में आया था और उसका हिस्सा कट के अलग हो गया। तब से दोस्तों ये वीरान पड़ी है जगह, और लोगों का मालिक का कहना है यार आज भी यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है और कोई भी यहाँ आने को पसंद नहीं करता, कोई भी शख्स यहाँ आता नहीं है। उस मालिक ने यहाँ से मशीने काट उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी और इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये विराट बड़ी एक खंडर बन चुका है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ रूम है दोस्तों पास के जहाँ पे मशीने वगैरह ऑपरेट करने का सिस्टम हुआ करता था, उनकी भी आप हालत देख सकते हो क्या हो चुकी है, पूरा वीरान पड़ा है दोस्तों। ऐसे कैसे इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो इन चीजों को देख के कि यार क्या हुआ होगा और किस कदर इसको बंद करना पड़ा। भाई रोने की आवाज आई दोस्तों, शायद कहीं से रोने की आवाज आ रही है। भाई एक बार सुनना, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है रोने की आवाज। उस तरफ से रोने की आवाज आ रही है दोस्तों। की आवाज आ रही है, की आवाज आ रही है। भाई बहुत डरावनी भैया, भाई क्या है यार, मैं भगवान है बजरंग बली रक्षा करना। भाई जूम करके देख एक बार, भाई 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 हिलता सा आ गया और आ गया वो भगवान। यार दोस्तों लेकिन सच कह रहा हूँ, कसम से ऐसी चीज लाइफ में नहीं देखी भाई, कहीं उस आदमी की तो आत्मा भूत वगैरह नहीं है यार कुछ। भाई जूम करके देख एक बार, ओ भाई भाई इसका फेस देख यार दोस्तों, ओ भाई मैं एक बार में बात करने की कोशिश करता हूँ। कौन हो आप? उसकी गर्दन देख, गर्दन निकल रही है। ओ भाई भैया आराम से, भैया नुकसान नहीं पहुंचा दे यार। कौन हो? पीछे जो भी, पीछे जो उस तरफ से, उस तरफ से उधर से एक बार कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इधर इधर आ भाई, इधर से देख। ओ भाई भाई वो नहीं भाई, वो चीज वो ये भाई अभी आ रहा है कैमरे में अभी। ओ नो आज देखो, हमें ट्रैफिक की कोशिश मत करा जो कोई भी हो गाइस। गाइस ये चीज पहले बार रिकॉर्ड हुई थी जब हम एंटर हुए तब, उसके बाद सामने दिखाई दे रही है भाई, कंफर्म करके रहेंगे ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं यहाँ से डर के भागने के लिए नहीं आया था, ये चीज़ कंफर्म करने ही आया कि यार यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को आज भी दिखाई देती है, इसीलिए इसके मालिक से परमिशन ली थी। भाई ऊपर चलेंगे अपन दोस्तों, शायद ये ऊपर की तरफ है बाहर छत पे। भाई आजा छत पे चलते, भाई आजा छोड़ के आ भाई, थोड़ा आराम से वो चीज़ उतना ना पहुँचा दे बस। इसमें ऊपर करके देख, चारों तरफ करके देख वो चीज भाई, पैसे लागे हो सकती है भाई ध्यान से। बिल्कुल भाई भाई, एक मिनट भाई मैं आपको देखने से पहले अरे ओ भाई भाई इसमें भी कुछ नहीं है भाई, शायद ये कमरा है भाई। गेट बंद है भाई देख आराम से भाई, गेट अलग बंद है भाई,
दोस्तों ये एक ही कमरा बचा है, जय श्री राम, रक्षा करना। बजरंग बली, जय श्री राम। भाई पीछे जो भाई ध्यान से भाई, वो जो भी चीज़ अपने पे हमला ना कर दे। कैमरा इधर करना, चार्ज करके दिखा दे। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ खराब आई साइड, पूरी दीवारें काली हो रखी है और चीटियों ने अपने घर बना रखे हैं यहाँ पे दीवारों पे। भाई इसी जगह वो चीज थी यार। दोस्तों यकीनन आपने भी अपनी आंखों से कैमरे में देखा होगा कि शायद मेरे हिसाब से जो हम सबसे पहले आए थे वो चीज थी, लेकिन वो यहाँ से कहाँ गई, गेट भी आपके सामने बंद था। मैं एक बार गेट के पीछे करके दिखा दे, शायद कुछ मेरे भाई बोलेंगे यार के आपका कोई बंदा होगा, ये होगा वो होगा। दोस्तों ये चीजें होती है यकीनन, जब आप खुद रात को 11-11 बजे आप सोच रहे हो कि भाई ने केवल टाइम दिखाया, तो दोस्तों आपका भरम वो भी दूर कर देता हूं मैं आपको एक मिनट के लिए, क्योंकि बोलते भाई बोलते हैं यार टाइम आपने वो सुन भी फिर से आवाज आई कोई भाई चलो जाए चलो पाजे। एक बार दोस्तों मैं आपको गूगल टाइम शो कर दूं, दोस्तों लगातार आवाजें आ रही है शायद नीचे की तरफ से। दोस्तों थोड़ा नेटवर्क स्लो है यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज अपने को देख रही है यहाँ से, आवाजें आ रही है तो रोने की कभी नहीं। वही धड़कन तेज हो गई यार यहाँ तेज, चल जा चल जा। दोस्तों फोन भी काम नहीं कर रहा, गूगल में मिल गया भाई। लाइट बंद करके एक बार टाइम शो करवा दे, मिनट लाइट कम करना। दोस्तों नेटवर्क थोड़ा स्लो है। दोस्तों गूगल टाइम इंडिया 11:20, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, फिर मेरे भाई बोलेंगे कि भाई स्क्रीन शॉट था वो था। गूगल टाइम इंडिया दोस्तों, ठीक है, गूगल टाइम इंडिया दोस्तों, नेटवर्क थोड़ा स्लो है 11:20, ठीक है भाई आ गया भाई। नीचे से आवाज आ रही है एक बार भाई, कैमरा इधर कर भाई, नीचे से आवाज आ रही है। ओ छू भैया, ओ भाई भाई सामने भैया, सामने भैया इधर कर भाई, रोने की आवाज आ रही है एक बार भाई। भाई इसको जूम कर यार, ये चीज अचानक से दोस्तों कहीं कहां से कभी कहां से गायब हो रही है। ओ भाई ओ भाई दोस्तों कैमरा अलग ब्लर मार रहा है, क्या हो गया भाई, फोकस नहीं हो पा रहा। दोस्तों कैमरा अचानक से ब्लर मार रहा है। ओ भाई ओ दोस्तों क्लियर मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ इस चीज को, कितनी खतरनाक है भैया। ओ भाई इसका चेहरा देख यार, ओ भाई भाई जूम करना एक बार यार। दोस्तों क्लियर देखो यार भाई, ये कोई राक्षस है यार भाई। भाई भाई निकलते यहाँ से भाई, आ जा भाई। दोस्तों यार ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी वजह से भाई की भाई को कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा भाई आओ भाई वो चीज़ ओ भाई ऊपर कर भाई, क्या वहाँ पक्षी है भाई कहाँ गई वो चीज यार। दोस्तों ऊपर से आवाज आई थी, पता नहीं क्या था। भाई भाई बंद कर, भाई निकल निकल भाई आजा।
दौड़ भाई दौड़ दौड़ के।